कुछ नहीं, मरने दो, राजस्थान मर रहा है, मैं तो दिल्ली और जयपुर करता रहूंगा, अपनी खुशी बता दूं। यही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि ये आपके अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ होगा। सरकार को अपना रखिए, बात सुनिए। डीपी के न्यूज की मुहिम, बेरोजगारों की गुहार, अब तो सुनो सरकार। टेम्परेचर दिनों दिन गिरता जा रहा है, लेकिन युवाओं का, बेरोजगारों का हौसला गिरने का नाम नहीं ले रहा। एक और युवा जिनको कहें, राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा जी भी काफ़ी समय से इन युवाओं के साथ इस धरने पर मौजूद है, लेकिन सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या राजस्थान के हुक्मरान इस बेकदरी के साथ इन युवाओं के साथ पेश आ रहे हैं, जिसका किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी? जिस आशा के साथ इन युवाओं ने 2018 में गहलोत सरकार बनाई थी, आज वो युवा उनके खिलाफ सड़कों पर है। काफ़ी समय से, लगभग 18 दिन हो गए इन युवाओं को धरने पर बैठे हुए, और इसके अलावा भी कुछ इनके साथी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। मेरे साथ करोड़ीलाल मीणा जी भी हैं। करोड़ी जी, सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा है आपका? एकदम सही है। इस उम्र में युवाओं के साथ इतना जोश भर दिया आपने, एक अलग सी मुहिम सी जगा दी है। राजस्थान सरकार चेतने में नहीं आ रही है, या राजस्थान सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रही? देखो, आत्मबल मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि मैं आज जवानों के बराबर काम कर सकता हूँ, और चूंकि मांग बड़ी तर्कसंगत है, केवल मात्र 2 महीने का टाइम मिला है और सरकार ने करोड़ों रुपए फार्म के नाम पर अपने कोष में डाल लिए। तार्किक इसलिए है कि अभी पंचायत राज के चुनाव में 1.5 लाख टीचर लगे हैं जो परीक्षा देंगे। तार्किक इसलिए है कि एमए जो लड़के कर रहे हैं फाइनल, उन्होंने फार्म भर रखा है, जब तक उनका रिजल्ट आएगा जून में, जब तक वो परीक्षा में बैठ नहीं सकते। तो मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, आपने इन लोगों के फॉर्म क्यों लिए? आरपीएससी ने मना कर देते तो 2 महीने में इनका सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें मांग, जैसे यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करती है, वैसे आरपीएससी को कैलेंडर जारी करना चाहिए, लेकिन उस बाद की बात है, इनकी डेट बढ़ानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत संवेदनशील और गांधीवादी कहते हैं, कल पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो बेवजह हिंसा फैलाना, डराना, धमकाना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं आपके इस चैनल के जरिए पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आज 19वां दिन है आंदोलन का, और रात की आप तस्वीरें ले जाओ अपने चैनल में, यहाँ कोई रजाई नहीं, देख लो आप, कोई गद्दा नहीं है, कुछ अलाव जला के ज़रूर बैठे रहते हैं, जो इन कपड़ों में बच्चे सोए हैं, केवल इनमें सोए, कड़ाके की ठंड में, जो इस वर्ष की सबसे ज़्यादा ठंड जयपुर में रिकॉर्ड की गई है सर। तो मानवीय दृष्टिकोण भी सरकार को अपनाना चाहिए और बात सुननी चाहिए। चार दिन 21 नहीं, वो 17 से 17 को थे ना अपन, यहाँ 16 को। आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार को चेताने के लिए, किस प्रकार से आप इस आंदोलन को आगे लेके जाओगे? वो तो रणनीति तो मैं किसी को नहीं बताता, ले जाऊंगा जब आप आ जाना। रणनीति किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री राजस्थान के अभी तक नींद में सोए हुए हैं, लेकिन ये बेरोजगार अभी भी जागे हुए हैं। मेरे साथ कुछ युवा साथी भी यहाँ मौजूद है। नाम क्या है आपका? सर, मैं गोविंद मीणा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। साथ में तैयारी भी कर रहे होंगे? जी सर, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी के लिए जुटे हुए हैं, और सरकार से यही रिक्वेस्ट है, पता नहीं किस बात पड़ी हुई है सरकार, बस पढ़ने के लिए टाइम ही तो मांग रहे हैं बच्चे, कोई उनसे कुछ अलग से कोई मांग कर रहे हों, या फिर कुछ फंड मांग रहे हों, या कोई और जो पैसे से रिलेटेड हो, या अभ्यर्थियों की कोई और वो हो, तब तो सरकार का डिले ये भी है कि चलो कोई मजबूरी है, कोई बिल पास नहीं हो रहा है, इस वजह से भी कोई सरकार देरी कर रही है, लेकिन एक पढ़ने के लिए टाइम मांग रहे हैं। पूरे राजस्थान के युवा साथ हैं, सरकार हर बार बहाना बना रही है कि एक दूसरा पक्ष है जो कि जनवरी में एग्ज़ाम करवाना चाहता है। अरे आप खुल के बात करो, मैं सरकार से ये अभ्यर्थी हैं पूरे राजस्थान के
इनसे यही कहना चाहूँगा, सरकार जो भी सरकार का एक प्रतिनिधि है वो खुल के सामने आए और वो पोल करवाए, वोट करवाए या फिर इनसे हाथ खड़े करवाए कि जनवरी वाले ज़्यादा हैं या जुलाई वाले ज़्यादा हैं। सरकार पता नहीं कोई जैसे एक DVD लगा देते हैं, वही बार बार प्ले करते हैं, रिप्ले उसी को कह रहे हैं कि जनवरी वाले हैं, जनवरी वाले हैं। बहाना मत बनाओ, और अगर बहाना बना रहे हो तो उसे हकीकत में देखो, हकीकत में पहचानो। आप अगर ऐसा ही है, 90% जो अभ्यर्थी हैं जुलाई वाले, आप सामने आओ, बात करो। सरकार के पास IAS है, सीनियर जो एक अच्छा जो बुद्धि वर्ग है वो है, और अपने करोड़ी लाल जी हैं। पूरा राजस्थान इस आग में भड़क रहा है, पता नहीं किस बात को लेकर अड़े हुए हैं ये। और इन्होंने जो राजस्थान के युवा लोग हैं, इन्होंने तय कर लिया है जब तक डेट नहीं बढ़ेगी तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले। एग्ज़ाम देने को तैयार नहीं है। गहलोत साहब, एग्ज़ाम लोगे किसके? मेरे साथ एक युवा बहन भी हैं, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीलम है और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। और मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है ना, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, सरकार की गलती है। सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए 2 बार पोस्टपोन्ड किया है, और 3री बार अगर आंदोलन हुआ है ना, उसमें ना तो हमारी गलती ना और सरकार की गलती मानती हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि 3री बार जो ये आंदोलन हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है। हम नहीं चाहते थे आंदोलन करने के लिए, उन्हें हमें मजबूर किया है सड़कों पर आने के लिए। और एक बात मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ सरकार को कि आपकी गाइडलाइन है ही नहीं, आप किस गाइडलाइन के बेस पे आप एग्ज़ाम करवा रहे हो पहले तो ये बताइए। आप मनमर्जी के हिसाब से जनवरी के अंदर दे दो तो जनवरी क्या आपका क्या मुहूर्त निकलाएगा जो जनवरी के अंदर आप एग्ज़ाम करवाते हो? आपको क्या पता नहीं है क्या भाई, जनवरी के अंदर BLO की ड्यूटियाँ लगी हुई है, सारे एग्ज़ाम लगेंगे बोर्ड क्लासों के, फिर भी आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपने है ना रीओपन करवाए, फॉर्म भरवाए 1.5 लाख बच्चों से, फिर भी आपने जनवरी में एग्ज़ाम करवाए, किस लिए? आप में दिमाग नहीं है क्या? दिमाग आप में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में दिमाग होता ना तो आप जब रीओपन करवाए थे ना फॉर्म, तब आपने है ना उसी वक्त सोच लिया था कि बच्चों के एग्ज़ाम जुलाई में करवाएंगे, जून जुलाई में करवाएंगे, ना तो ये आंदोलन होता, ना किसी को आपत्ति होती। लेकिन आपत्ति होने का एक रीज़न है आपकी बेबुद्धि से, जो आपने जो जनवरी के अंदर जो डेट घोषित की ना वो, और आपकी है ना गलतफहमी निकाल दीजिए सरकार, ये एग्ज़ाम तो पोस्टपोन करवा के रहेंगे हम, और हमारे में इतनी शक्ति है, आप अपनी कितनी पुलिस बल लगा लीजिए और आप अपनी कितनी भी प्रोटेक्शन लगा लीजिए चारों ओर से। हमारे युवा लोगों के अंदर, बच्चों में इतना संगठन है कि हम आपको ये जीत कर बताएंगे कि देखो आपकी निकम्मी और निष्ठुर सरकार ने हम पे पुलिस बल भी लगाया है, उसके बावजूद भी हमने हमारी जीत दर्ज की है। मैं इतना ही कह के अपना मतलब, बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज बेटियों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं इस तरीके से। एक बहन और है मेरे साथ, मुंह पे पर्दा कर, नाम बताएं आपका। सर, मेरा नाम सुमन चौधरी है। सबसे पहले तो मैं DP के न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सम्मान करती हूँ कि आज भी और पहले से भी आप हम देख रहे हैं लगातार कि हमारे अधिकारों की जो मांग है उसको आप सरकार तक और जनता तक पहुँचा रहे हैं, और हमारे जो अधिकारों की मांग है उसके जो हौसले हैं और भी आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो अधिकारों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। इतनी बड़ी कोई हमने इशू नहीं बनाया, इतनी बड़ी कोई मांगे नहीं है। हम सरकार से सरकार की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, सरकार को शासन चलाने के लिए हमने चुना है ताकि वो जनता के हित में काम करे, ना कि जनता के ऊपर शोषण करने के लिए हमने चुना है। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ युवाओं के लिए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो जो मानवता जो है या फिर इंसानियत जो है वो भी एक तरीके से इस मुद्दे में उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार इस मामले को बिल्कुल गंभीर नहीं ले रही है। यहाँ पे अधिकारों की मांगों के लिए जो बच्चे हैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर जिंदगी और मौत के बीच में जो खेल रहे हैं वो एक कोई छोटी बात नहीं है। सरकार को इसके बारे में जल्दी संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं सरकार को फिर से इस मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रही हूँ कि ये जो युवा लोग हैं ये सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, सरकार जानबूझ के इनको खिलाफ होने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर ये आंदोलन जो है वो उग्र होगा। और मैं जो ये बता देना चाहती हूँ सरकार को कि जो ये जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सरकार माने और इन पे अभी मैम जो आपके जो कुछ साथी हॉस्पिटल में हैं उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मीडिया तक को वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा।
सर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व आके वहाँ नहीं मिला है, जबकि आज उस बच्ची को 13 दिन अनशन पे बैठे हुए हो गए हैं। वहाँ पे जैसे प्रशासन के कोई कई लोग आते हैं, जैसे कलेक्टर साहब भी आते हैं, बाकी हॉस्पिटल के भी काफ़ी बड़े डॉक्टर्स हैं जो उनको इस मामले को संज्ञान में है उनके, और वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि बच्ची कैसे भी करके मतलब उसका जो इलाज है वो प्रॉपरली चले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व आके वहाँ नहीं मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा सरकार, ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास ये बात गई नहीं है, सरकार के कानून में ये बात पहुँची नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये रीज़न पूरी जनता के बीच में आज ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रीज़न है कि सरकार इस मामले को बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से संज्ञान में नहीं ले रही है या गंभीरता से नहीं ले रही है। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आज जो है राजस्थान के तमाम जो बेरोजगार जो युवा लोग हैं उनके लिए आज का अंतिम दिन है, आज का निर्णायक दिन है। सरकार अगर तरीके से अगर बच्चों के जो मांगे हैं अगर उनको मानती है तो हम सरकार का सम्मान करते हैं, नहीं तो हम हमारे जो अधिकार हैं उनको छीन कर लेना भी जानते हैं, क्योंकि सरकार ने हमने सरकार बनाई है, सरकार हमारे लिए है और ये जो जनता है वो सरकार के लिए है। और मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि सरकार को मैं फिर से कह देना चाहती हूँ कि हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। धन्यवाद। हक मांगते हैं भीख नहीं मांगते। गहलोत सरकार जाग जाइए, जो नींद आपने अपनी आंखों में डाल रखी है इन बेरोजगारों के लिए देख लीजिए, इनकी मांगे जायज़ है। इस चीज़ को ये लोग इतने दिन से यहाँ बैठकर इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। हुक्मरान अब तो जाग जाओ, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक मौन रहेगी ये गांधीवादी सरकार। मैं सौभाग्य चौधरी, छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय। सर मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ जो सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार कल भी जश्न मना रही है और आज भी जश्न मना रही है। हमारे वहाँ दुर्गापुरा जो कृषि प्रबंधन संस्थान है ऑडिटोरियम, वहाँ इंदिरा गांधी जी की कुछ उपलक्ष्य में कि हम महिलाओं को लोन देंगे, वो देंगे। क्या लोन दोगे आप महिलाओं को जब आप बेरोजगारी भत्ता लागू नहीं कर सकते, जब आप किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर सकते, जब आप एक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की एक डेट नहीं बढ़ा सकते, तो आप क्या करोगे? UPSC की तर्ज पर तो RPSC कैलेंडर लागू करना बहुत मुश्किल काम है। जब वो कैलेंडर लागू हो जाएगा तो ये जो सरकारों के जो ये करप्ट है, भ्रष्टाचार है, ये सब मिट जाएंगे, क्योंकि हर किसान का बच्चा शिक्षित हो जाएगा और शिक्षा के बच्चे उसका माहौल बढ़ जाएगा। तो ये सरकार सब कुछ नहीं करेगी, केवल बेवकूफ़ बना रही है। आज ऐसी क्या दिक्कत आ रही है गहलोत साहब के सामने और पायलट साहब के सामने जो डेट बढ़ा रही है? मैंने तो ये सुना है, यहाँ बच्चों हज़ारों बच्चों से सुना है, जहाँ जाता हूँ कॉलेजों में सुना है, यूनिवर्सिटी सुना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कई कोचिंगों से कई बच्चों से पैसे खा लिए, इस कारण वो डेट कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बातें सामने आ रही है। और मैं इस सरकार को ये चैलेंज देना चाहता हूँ, पायलट सरकार को, अभी कुछ घंटों पहले मेरी बात हुई है भाई साहब से, अब इस आंदोलन में हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब आ रहे हैं, अब ये सरकार जवानों से मानेंगे, जब जवान सड़कों पे उतर जाएंगे फिर हमारे को मत बोलना ये क्या हो रहा है, फिर ये जवान नहीं रुकेंगे और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, गहलोत सरकार की, पायलट सरकार की होगी। युवाओं का सीधा सीधा आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पर कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी इन्होंने सवाल या निशान से खड़े कर दिए हैं। राजस्थान की सरकार, एक साल का जश्न हो गया आपका, लेकिन इन बच्चों का जो जश्न है वो शायद फीका है। जो बच्चे अपने घर पे रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो आज इस आंदोलन में यहाँ पूरी रात जागते हैं। सरकार कब तक चुप रहोगे? कब तक इन बच्चों के लिए अपने हक की लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी? कब तक आप होश में नहीं आते हो? कब तक आपकी नींद नहीं जागती है? कुछ साथी आए हैं जो अभी हॉस्पिटल में जो अनशनकारी हैं उनसे मुलाकात करके आए हैं, कैसा माहौल है, किस प्रकार उनकी तबीयत है अभी? सर मैं नोनी बहन से अभी मिल के आया हूँ, जस्ट मिल के आया हूँ, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और वो इतनी हालत गंभीर है, अच्छी तरीके से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं और वो बिल्कुल ये मुर्दे की तरह ऐसे, मतलब उसको ये मेरे को तो नहीं लगा कि बिल्कुल होश अर्धहोश में पड़ी हुई है, बिल्कुल वो पानी का अनशन तक कर रही है, खाना तक नहीं खा रही है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि उसके साथ में कुछ मतलब अच्छा हो, वो कभी भी कुछ भी सूचना आ सकती है। मेरे को हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अर्ध मुर्दे के हिसाब से पड़ी हुई है, बिल्कुल होश नहीं है, ना उसको बोली आ रही है, उसको पानी तक वो नहीं पी रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि ये आपके अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ होगा। सरकार बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ सुन लिया इन युवाओं ने, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये युवा इस राजस्थान का भविष्य है, वो भविष्य है जो आप लोगों को राजस्थान के सबसे बड़े लोकतंत्र शाही विधानसभा में पहुंचाती है, जो
पहुंचाना जानते हैं, वो वापस लाना भी जानते हैं। मेरी एक बार फिर डीपीके न्यूज़ की गुहार है, सब तो सुनो सरकार, इन युवाओं के ऊपर कुछ तो रहम करो। जय हिंद। नमस्कार। पिछले 20 दिनों से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहाँ शहीद स्मारक पर अब अपना धरना शुरू कर चुके हैं। पिछले 3 दिन से कल इनके साथ में पुलिस ने बर्बरता बरती और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसके चलते हुए यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं इस वक्त सभी अभ्यर्थियों के साथ में, और अभी फ़िलहाल में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अभी यहाँ पहुँच चुकी है सुमन शर्मा साहिबा, जो कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सुमन जी, काफ़ी दिनों से ये धरना चल रहा है, इस धरने पे अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जहाँ आपको विदित हो कि 1 महीने से बच्चे सड़क पे हैं, अपने मांग को हर टेबल पे रखने की कोशिश की, हर जगह ज्ञापन दिया, हर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे जो नेता और मंत्री बने हुए हैं कांग्रेस से, सब लोग के पास गए, दर दर भटके, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं की। पिछले 8 दिनों से देखिए सरकार की संवेदनशीलता की इंतहा हो गई कि 8 दिन से हमारी दिव्यांग बहनें, नौनी है उसके साथ 3 बच्चे और हॉस्पिटलाइज हैं, मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रही है वो, लेकिन सरकार का कोई भी बंदा जाके उसका हाल चाल नहीं पूछ रहा है। इसी से पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। धरना 3 दिन से तो शहीद स्मारक पर हम लोग बैठे, हम लोग पहले सिविल लाइन फाटक कूच किया, और सरकार की हिम्मत की बात यदि मैं कहूँ तो मुख्यमंत्री हम लोग से मिलने को भी तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है। 1 साल का जश्न मना रहे हैं, ये कैसा जश्न है राजस्थान में, जहाँ हजारों बेरोजगार सड़क पर पड़े हुए हैं और सरकार जश्न मना रही है, अपनी वाहवाही लूट रही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और बच्चे उनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बच्चे उनसे बेरोजगारी भत्ता वो नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं मांग रहे हैं, वो उनके पास देने को नहीं है, लेकिन वो केवल कह रहे हैं कि मेरी तिथि बढ़ा दो, एग्ज़ाम है हमारा उसकी अवधि बढ़ा दो, उसमें कौन सेलेक्ट होगा नहीं होगा वो बात कीजिए, केवल अवधि बढ़ाने की बात है, उस पर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये निरंकुश सरकार है, छात्राओं की बात कह के सत्ता में आने वाली सरकार, झूठे वादा करके आने वाली सरकार आज छात्रों के साथ धोखा कर रही है। इस धोखा को लेकर छात्रों में बहुत आक्रोश है, हम लोग भी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ भी इस आंदोलन में है, मैं भी इसीलिए इन लोगों के साथ हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा उस नौनी की चिंता है जो जीवन और मौत के बीच खेल रही है। मंत्रियों की इतनी संवेदना तो होनी चाहिए थी कि कोई एक मंत्री जाके उससे पूछता, उसका अनशन तुड़वाता, कुछ नहीं, मरने दो, राजस्थान मर रहा है, मैं तो दिल्ली और जयपुर करता रहूँगा, अपनी कुर्सी बताता रहूँ, यही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है, राजस्थान जाए बाहर में। लेकिन हम लोग भी बैठे हैं, हल तो निकाल के ही उठेंगे, मुख्यमंत्री की हर धर्मिता को झुका के ही हम लोग मानेंगे। सुमन जी, आप एक खुद भी एक जुझारू और एक ज़बरदस्त कार्यकर्ता हैं, और हमेशा सपोर्ट में रही हैं सब, उसमें चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, सब तरीके के मामले होते हैं। इस वक्त की जो सरकार है, जैसे कल इन्होंने एक साल का जश्न मनाया, और जश्न ऐसा मनाया है कि जो शायद अभी तक नज़र भी नहीं आ रहा, जो जश्न, और उन्होंने बुलाया 119 मांग, अभी तक 500 जो इनके वो 504 जो बिंदु थे उसमें से 119 ही कर पाए, लेकिन जो मेन मुद्दा जो था वो बेरोज़गारी का था, बेरोज़गारी का मुद्दा अभी तक हल नहीं कर पाई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार इस चीज़ में मतलब विफल रही है या आगे कुछ सरकार करना चाहिए? देखिए, जश्न मनाया, बहुत बड़ा मंच बनाया सरकार ने, 3 दिन से जश्न मना रहे हैं, कल मनाया, आज भी कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने के समय जब मुख्यमंत्री या उनके मंत्री खड़े होते हैं तो उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, वो सीधे केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं, भारत बचाओ आंदोलन पर चले जाते हैं, और महंगाई हो गई ये सारी बातें कहते हैं, वो सरकार की अपनी उपलब्धियां गिनाने के औकात में नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, केवल वसुंधरा राजे जी की जो योजनाएं थी उसका नाम बदलने का ये सरकार ने किया है, काम और कुछ नहीं। जैसे भामाशाह योजना, उसको खुर्द बुर्द कर दिया, लोग अस्पताल में भटक रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा जो क्लेम मिलता था वो लोगों को नहीं मिल रहा है, आप देखिए राशनिंग की ये स्थिति कर दी कि गरीबों को राशन भी नहीं मिल रहा है, रोजगार को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 3500 रुपये की बात की थी, कितने को मिला, इतने छात्र यहाँ पढ़े हुए, किसी को नहीं मिला बोलने के लिए। और सबसे एक काम जरूर 1 साल में राजस्थान में हुआ कि 1.5 लाख से ज़्यादा FIR महिलाओं के उत्पीड़न का दर्ज हुआ, और राजस्थान नंबर 2 पे बन गया। ये काम 1 साल में सरकार ने जरूर किया कि माँ बेटियों के इज्जत के लुटवाने का काम राजस्थान सरकार ने 1 साल में किया, ये
शर्म की बात है, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। कल ही आपने सुना, कल जश्न के दिन एक पाली की बेटी जो पीड़िता थी, जिसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसके पिता को घर में जला दिया घुस के बलात्कारियों ने। सरकार को उन्नाव की चिंता होती है, सरकार हैदराबाद पे नहीं जाती है। दिल्ली में कुछ हो जाए, जामिया में कुछ हो जाए तो सरकार बात करती है, और यहाँ बेटियों का परिवार जल रहा है, बेटियाँ जल रही हैं, रेप हो रहा है, स्कूल में टीचर छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, सरकार को चिंता नहीं है। सरकार तो भारत बचाओ में लगी हुई है। हम लोग सब लोगों का सिर्फ इतना ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जो करके गई थी उसको ही आगे बढ़ा लेते तो बहुत काम होता। आज ये भर्तियों का जो इशू है, ये भी 5,000 भर्तियाँ वसुंधरा जी ने निकाली थी, इन्होंने क्या कि इन्होंने पहले रोकने का काम की, फिर ईडब्ल्यूएस के नाम पे रोकने का काम किया, और अब अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। लोगों से, बच्चों से फॉर्म भरवा लिया, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए फॉर्म के नाम पे। पहले कहा था कि निशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, उस पर भी पैसे इकट्ठे करा लिए। माने केवल लूटने और लूटने के सिवा कोई काम नहीं कर रही है सरकार। आप सड़क पर चले जाओ, टोल जो वसुंधरा राजे ने टोल वापस करवाया था वहां पर टोल जारी कर दिया, क्या किया है? ये निकम्मी सरकार है, जनता के खून पीने में लगी हुई है। मैं आपके बहुत सारा बोल दूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बस सरकार आत्मचिंतन करे, ये कहना चाहती हूँ मैं। वाहवाही नहीं लूटने की कोशिश करे, जनता का काम करे। विपक्ष में हमें इसलिए भी भूमिका हमारी ये है कि हम आपके बातों को अगर अच्छा करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, और गलत करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर के सरकार ने 10% का केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर जिन छात्रों ने फॉर्म भरे, 176,000 या 180,000 जिन छात्रों ने भरे, उनके अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाए, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि सरकार ने अभी तक क्यों नहीं बनवा करके? अभी आपने चुनाव के रिजल्ट देखे, चुनाव के पहले अचानक इनको ईडब्ल्यूएस याद आ गया, जबकि ये तो केंद्र की योजना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू की और राजस्थान में धीरे धीरे अपनी योजना रूप ले रहा था, उसको घोषणा करने में ही पहले कितना महीना लगा दिया ये आप लोगों ने देखा, विधानसभा में उठा, सब जगह उठा, बोले पहले तो इनको ईडब्ल्यूएस पसंद नहीं आ रहा था, और जैसे सर पे चुनाव आया स्थानीय निकायों के, इनको अचानक लगा कि इसको इनकैश करना चाहिए, नौटंकी किया कि हमने ये शर्त हटा दी, अब आइए अपने आप सर्टिफिकेट ले जाइए। आज किसी बच्चे से पूछिए सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या, इन्होंने जो संशोधन किया ये कहते हैं हमने संशोधन किया, तो संशोधन किया तो सर्टिफिकेट कितने बच्चों को मिला? एक भी बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये ज़रूर है कि इस तरह की नौटंकी करके उन्होंने ये चुनाव, छोटा चुनाव जीत लिए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जनता तो निकलो सड़क पे बताएगी कैसा आशीर्वाद दिया है। कई पहले पायलट और गहलोत आपस में लड़ रहे हैं और पूरी जनता को छोड़ दिया है कि आप लोग मरो जियो, आपकी परवाह नहीं है। ये ईडब्ल्यूएस के नाम पे धोखा दिया है। ईडब्ल्यूएस भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उन्होंने लागू की। अब छात्र और सारे लोग समझ भी रहे हैं कि अगर सर्टिफिकेट हमारा क्यों नहीं बन रहा है, छात्र पूछ रहे हैं जिनको इनका लाभ लेना है, उनको किसी के हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, फिर काहे का पीठ थपथपा रहे हैं गहलोत? ये थी सुमन शर्मा, जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने बताया जो कि बातें हैं इस वक्त छात्रों के साथ में गुजर रही है। छात्रों की 5 मांगे हैं, जिनमें एक ईडब्ल्यूएस को भी लेकर के है। अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके नहीं बन पाए हैं। डीपी के न्यूज़ से मैं डॉक्टर इस्माइल, अपने सहयोगी कैमरामैन जीतू के साथ। शहीद स्मारक के ऊपर जो अभ्यर्थी यहाँ पर धरना देकर के बैठे हैं, आइए हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस सरकार को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के। जी अब बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार पंचायत चुनाव को आगे खिसका सकती है, बोर्ड की परीक्षाएं आगे खिसका सकती है, तो हमारी एग्जाम क्यों नहीं खिसकाई जा रही है? हमें पढ़ने का समय तो मांग रहे हैं। सरकार हमारी कितनी परीक्षा लेना चाहती है, ले ले परीक्षा। हम राजस्थान की झांसी की रानी है, हम नहीं हटेंगे। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं है ना गांधीवादी तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में बैठी हुई थी अपने बच्चे को लेकर के, मेरा बच्चा गुहार लगा रहा था, आज वो बिना माँ के बैठा हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हमारी गांधीवादी तरीके से मांगे क्यों नहीं मानी गई? मैं सोमवार तक सरकार का इंतजार कर रही थी, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी कहीं ना कहीं कोई सरकार का प्रतिनिधि आ रहा होगा। मैंने कहा मैं 5 बजे तक प्रेस नोट आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मुझे आप पता चला कि ये सरकार गांधीवादी तरीके को
नहीं जानती है, इन्हें तो जगाना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब इन सरकार ने लास्ट में जो गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो हम अब सड़कों पे उतरेंगे और हमारा अधिकार है ना उसे लेकर के रहेंगे। इन्होंने हमारी बहुत परीक्षा ले ली है, अब तो सड़कों पे चाहे खून बहे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार सुन लेना गहलोत सरकार, मैं कह रही हूँ कि इस माँ को तुमने इतना तड़पाया है कि वो बच्चा हुआ है और ये माँ या सर्द रातों में सो रही है और मेरा बच्चा भी सोया है राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने दिनों तक, लेकिन ये लाठीचार्ज हुआ है ना उसकी वजह से एक बहन अपने घर पर उसकी हालत खराब है, पर मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराया, क्योंकि नौनी बहन के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उस पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, अगर वो भर्ती हो जाती तो उसका 2.5 महीने का बच्चा वो बिना माँ के दूध के तड़पता, और वो औरत जिसके सिजेरियन हुआ है बच्चा वो उसके साथ लाठी चार्ज में वो गाड़ी पे गिर गई और उसकी वजह से अभी भी उसके दर्द है। मेरे पास नंबर है उसके और मैं लगातार उसके कॉन्टेक्ट में हूँ और मैं यहाँ उतरी हूँ ना, जब बाबा साहब उठेंगे ना तभी मैं उठूंगी, और बाबा साहब बैठ गए ना तो जीत के उठेंगे, और वो छात्रित्व के लिए उठे हैं ना कि किसी राजनीतिक कारण से। कोई ये मत कहना कि राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल नहीं है राजनीतिक मुद्दा, हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, हम बनेंगे, निश्चित हमारा अधिकार है, हम इसे पा करके रहेंगे चाहे ये सरकार गिरानी पड़े। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये गहलोत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो इतना अत्याचार कर रही है हमारे ऊपर, ये इतना अत्याचार क्यों कर रही है, जो हम युवाओं ने उनको बनाया है तो वो हमारे युवाओं का हितों के लिए क्यों नहीं सोच रही, क्या ऐसा है, क्या कर दिया हमने? ये गहलोत सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब वो 10वीं के एग्जाम को खिसका सकती है, जब वो पंचायत चुनाव को खिसका सकती है, तो हमारे एग्जाम को क्यों नहीं खिसका सकती वो? ऐसा हमने क्या करा, ऐसा कौन सा घोटाला कर रखा उन्होंने जो 3 जनवरी को एग्जाम लेगी और 3 जनवरी को ही वो उनको ही देगी पोस्ट, उनको ही नौकरी मिलेगी जो इस घोटाले में शामिल है, जो वो घोटाले में ना उनको एग्जाम का वो करेगी जिनको उन्होंने पहले से नियुक्त कर रखा है कि वो इसी एग्जाम में ही बैठेंगे, उनको ही लेक्चरर बनाएगी, जो ना उन्होंने ना उनको खरीद रखा है, जिन्होंने उनको पैसे दे रखे हैं उनको ही बनाएगी वो लेक्चरर, हमको नहीं बनाएगी। क्यों ऐसा कर रही है गहलोत सरकार, जो हमारा फॉर्म भर लिया गया 1.5 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म भर लिया गया तो हमें टाइम क्यों नहीं दे रही वो, हम टाइम आपका, नहीं मार आपका EWS जो है सर्टिफिकेट बन गया? नहीं बना, बन ही नहीं रहा वो। चलिए एक मैं जो अभ्यर्थी वो हमारे साथ में है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज गहलोत सरकार को पहुंचाना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, आज 18 दिसंबर है और गहलोत जी ने अपनी फोटो बड़े शानदार छपा रखी है आज महिला सशक्ति दिवस है, आप इनसे पूछे इतनी महिलाएं रात को यहाँ बैठी रहती है जब इनको महिलाएं नजर नहीं आती, आज जाके वहाँ पर जाएंगे ये और अपने फोटो खिंचवाने के लिए तो आगे रहते हैं, कल इनका 1 साल पूरा हो गया, इन लोगों ने नौनी बहन की खबर भी ली है, यहाँ तक कि मीडिया में रोज दैनिक भास्कर में इनमें आती है, उस लड़की की 1 बार भी फोटो नहीं दी, क्यों ये क्या बताने नहीं चाहते उस बेचारे के साथ में क्या हो रहा है, आज उसका बच्चा कैसे तड़प रहा है, कल वो मर जाती है ना फिर हमको सरकार दोष नहीं देगी, फिर हम सड़कों पे कैसे आते हैं इनको बता भी देंगे, आज आप बोल रहे जामिया में ये हो रहा है, सोनिया गांधी जी उनको जाके बोल रही है कि बीजेपी ये कर रही है, अरे तुम अपने यहाँ पे तो देख लो क्या कर रहे हो, आप सोनिया की खबर लेने जाते हो, यहाँ की लड़कियों की खबर नहीं है, आप लोगों को प्रियंका की चिंता है उसकी सिक्योरिटी हटा दी, अरे यहाँ लड़कियों की सिक्योरिटी तुम तो कर लो, जाके तुम मोदी से अपील करते हो, आपने ये कर दिया, खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरों के बारे में जाके बोल रहे हो, आज बेचारे बच्चों को आज 18-19 दिन हो गए यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे हैं, आके देख नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें, उनके एग्जाम में आपको क्या दिक्कत आ रही जो पढ़ा नहीं सकते, 2 बार हमने फायदे के लिए आप लोगों ने डेट बढ़ा दी और आज बढ़ाने में क्या परेशानी हो रही है आपको, बस मैं ये कहना चाहूँगी इन बच्चों की तरफ देख के आपको खाली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप डेट बढ़ा दो बस। चलिए महिलाओं का जोश आपने इस वक्त देखा, किस अंदाज में महिलाएं जोश के अंदर हैं, वो चाहती हैं किसी भी तरह से डेट बढ़े और डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पिछले 20 दिन से ये लोग यहाँ पर अपने घर बार को छोड़ करके बैठे हुए हैं, परेशानी की हालत में बैठे हैं, सर्दी ज़बरदस्त, जबकि रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, उसके बावजूद
आज रात को जो मामला था वो बहुत ही दयनीय था, और जिस अंदाज में यहाँ पर इन्होंने रात गुजारी है वो हर आदमी नहीं गुजार सकता है। एक आम आदमी के लिए इतनी सर्द रात के अंदर यहाँ पर रहना नामुमकिन सा होता है, लेकिन इन्होंने अपनी परीक्षा की डेट बढ़वाने के लिए रात गुजारी और अलाव के अंदर सो भी नहीं पाए हैं, और इनके पास में कोई बिछाने के लिए भी यहाँ हम देखा है कि कुछ भी नहीं है, और किस तरीके से अपनी जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गहलोत सरकार को चाहिए कि अपने साल का जश्न मनाने के साथ साथ इन अभ्यर्थियों का भी जश्न मनवाए, जो डेट बढ़ा करके, जब डेट बढ़ जाएगी तो इनका जश्न मन जाएगा। और आगे जबकि इन सभी अभ्यर्थियों ने एक अल्टीमेटम गहलोत सरकार को दे चुकी है कि जनवरी में जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को ये बिल्कुल सुपड़ा साफ करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर तादाद यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं गाँव से ताल्लुक रखने वाले अभ्यर्थी हैं, और गाँव में इस गहलोत सरकार का क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इनकी डेट नहीं बढ़ी तो फिर गहलोत सरकार हाथ मलते रहिएगा। डीपीके न्यूज़ से मैं डॉक्टर इस्माइल अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। कुछ नहीं मरने दो, राजस्थान मर रहा है, मैं तो दिल्ली और जयपुर करता रहूंगा, अपनी खुशी बता दूँ। यही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि ये आपके अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ होगा। सरकार को अपना रखिए, बात सुनिए।